हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग पैटर्न्स पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, गिवन दैट एससीएफ ऑफ, ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है एक तरह से, ब्रैकेट का मतलब इनटू भी होता है ऑफ भी होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑफ छिपा हुआ है, तो यानी गिवन दैट एससीएफ ऑफ 306657 इक्वल टू 9, यानी इन दोनों नंबर का जो एससीएफ है वो है 9। फाइंड एलसीएम ऑफ इसका, यानी देखो ये 306 306 657 657 नंबर एक ही है, तो हमें एससीएफ दे रखा है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, कि एक उस क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा हुआ था LCM into SCF is equal to product of two number, वही सेम चीज़ हमें यहाँ लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे let LCM be x, x मान लेते हैं LCM को। सो अब हम लिखेंगे now वी नो दैट, हम जानते हैं कि एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसी चीज में ये सारी चीजें उतार देंगे। तो देखिए एस सी एफ क्या है हमारा, दिया हुआ है 9, एल सी एम क्या है हमारा हमें नहीं पता, लेकिन हमने एल सी एम को लेट कर रखा है x, तो एल सी एम की जगह x ले लेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 306 इंटू 657 ये बन गया, बस अब सॉल्व हो गया हमारा। देखो x इधर ही रहेगा, 306 इंटू 657 इधर ही रहेगा। अब ये जो 9 है ये इंटू में था, तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 9। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखो 9 1 9 9 से ये जाएगा 9 3 27 9 4 36 पूरा कट गया, 9 34 306 बचा क्या, एक बार और लिख लेते हैं 34 into 657। तो बस अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो जो इसका मल्टीपल आएगा वो आएगा हमारा 22338, चाहे तो आप करके देख सकते हो, यही आने वाला है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, सो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज 22338, बस हो गया। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।